नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सगड़ी से खबर है जहां सगड़ी में अधिवक्ताओं ने भ्रमण कर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक बहिष्कार करने की बात कही। भ्रमण करके नारेबाजी जिला स्थानांतरण तक बहिष्कार करेंगे। सगड़ी तहसील के अधिवक्ता समिति ने जिलाधिकारी सगड़ी न्यायालय बहिष्कार कर 48वें दिन सगड़ी तहसील परिसर में भ्रमण कर जमकर नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक न्यायालय कार्य का करेंगे बहिष्कार। बता दें कि 26 अक्टूबर दिन मंगलवार को अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर 27 अक्टूबर से सगड़ी अधिवक्ता समिति न्यायालय कार्य का बहिष्कार कर रही है। 48वें दिन गुरुवार को सगड़ी तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने भ्रमण कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद व उप जिलाधिकारी वापस जाओ के नारे लगाए। घंटों तक न्यायालय के बाहर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। तो अध्यक्ष अनिल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके वकील के ऊपर एफआईआर हो गया, लेकिन देखिए ये लेखपाल द्वारा जो हड़ताल जो एफआईआर किया गया है वो एफआईआर लेखपाल द्वारा किया नहीं गया, वो कराया गया है। माननीय डीएम सगड़ी से हम लोगों का विवाद चल रहा है, उसी के क्रम में यह एक साजिश के तहत ये एफआईआर कराया गया। और एफआईआर की जब कॉपी दी गई वहाँ प्रार्थना पत्र, उस प्रार्थना पत्र का हम लोगों के पास है, उसमें कहीं भी जात सूचक शब्द या जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। लेखपाल का नाम अमित सिंह है, हम लोग तो अब तक यही जानते थे कि वो भी ठाकुर है, सिंह है। लेकिन जब एफआईआर हो गया है तो उसमें देखने में आया कि प्रार्थना पत्र के अंत में बाद में यह एक लाइन बढ़ा दिया गया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का खटिक है। और यह दबाव बना करके माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा पुलिस एसओ जो भी थाने जो है कि लेखपाल लोगों का प्रदर्शन जारी था, हालांकि जो कि आपके भाई वकील के ऊपर जो है कि एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो ये एफआईआर कैसे दर्ज हुआ है? एफआईआर दर्ज हुआ है चूँकि ये मामला कोई बहुत बड़ा नहीं था। ये मामला एक वकील और प्रतीश कुमार यादव और एक अमित सिंह लेखपाल के बीच तूतू मैमा का हुआ, चूँकि एसडीएम साहब का। लेकिन सर सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जो कि सिंह नहीं है। सिंह नहीं है, वो दलित जात के हैं, हम लोगों को अब पता चला है। और तब पता चला कि जब ये अपने तहरीर में 5 दिन बाद जाकर ये बढ़ाए कि मैं जात का एससी हूँ एसटी हूँ, तब उसके तहत जो है सरकारी कागजात फाड़ने और दलित एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जबकि उनकी तहरीर में कहीं से यह नहीं था कि मैं दलित हूँ और मेरे साथ जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। और इससे स्पष्ट होता है कि एसडीएम साहब के साजिश में मिलकर लेखपाल लोग इस तरह की हरकत एसडीएम साहब के कहने पर कर रहे हैं। तो अभी आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम है, अब जब मामला न्यायिक हो गया तो हम न्यायालय में चलेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे कि 4 दिन पहले तहरीर कुछ और थी और 4 दिन बाद तहरीर में बदलाव करके अभी एससी और एसटी का नाटक किया गया है। हाँ, और ये लड़ने भी जाएंगे तो किसी अधिवक्ता भाई के यहाँ जाएंगे तो ये बताएंगे ना कि मैं क्या क्या वहाँ गणंत किया हूँ, मेरे साथ एससी का व्यवहार किया गया कि नहीं किया गया, इस धाराओं का गलत दुरुपयोग किया गया कि नहीं किया गया, नहीं किया गया तो मुकदमा क्यों हुआ। अच्छा, आप लोगों की बात सर नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे तो हम अपने न्यायिक स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो लड़ ही रहे हैं 50 दिन से, तो लगातार लड़ ही रहे हैं। एडीएम सगड़ी को लेकर आप लोग का धरना अनवरत जारी है, इसमें कहाँ तक आप लोग? अब जैसे ये धरना धीरे धीरे रंग लेते हुए अब जिले के पदाधिकारियों के गया, बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा भी आयुक्त महोदय को एक लेटर आया हुआ है कि इनके बारे में कार्रवाई करें, एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनका ट्रांसफ़र किया जाए। अधिवक्ता काफ़ी दुखी हैं, अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। तो धीरे धीरे हम प्रदेश स्तर के वकील जैसे ये लोग भीड़ बनाकर चल रहे हैं, कभी ऐसा समय होगा कि हमारे भी झुंड हो जाएंगे, हम भी लोग इन्हीं की तरफ हो जाएंगे।